अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे भैया आने वाला है घर में है? मतलब ये कि हमारी भाभी फिर से माँ बनने वाली। पहले से इतने सारे बच्चे थे, अब और बच्चा आ जाएगा तो कैसे पालेंगे उसको। देखो बैठ जी, दवा देते समय तुमने हमसे कहा था कि ये औरत जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी। अरे जिंदगी तो छोड़ो, इतनी जल्दी माँ बन गई। देखो हमने ना तुमसे माँ ना बनने की दवा मांगी थी, माँ बनने की नहीं मांगी थी। बात समझ में आ रही तुमको? हमारी की नहीं समझ में आ रही है? हमारी बात सुनिए ना। अरे तुम्हारी बातें सुनने से क्या होगा? हमने इतना पैसा खर्चा किया था कि हमारी भाभी प्रेग्नेंट ना हो। तुमने इतना भरोसा दिलाया था कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ, वो हो गई ना प्रेग्नेंट। हमारा एक एक पैसा वापस कर दो, बताई देने। नहीं, हम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। तुम यहाँ से मत निकलो, हम हटा के तुरंत चले जाओ, बताई दे रहे। हम भी ये सब उठा चुके हैं। सामान फेंकने से क्या होगा? हमारी बात सुनिए। अरे तुम्हारी बात सुनने से क्या फायदा होगा, बोलो क्या होगा फायदा? देखिए हर किसी पर दवा की अलग अलग मात्रा काम करती है, और हो सकता है कि जिसे आपने दवा दी हो उसके लिए ये पर्याप्त मात्रा नहीं रही हो, और हो सकता है कि दवा असर करने से पहले ही वो गर्भवती हो गई। अब गर्भवती होने से तो नहीं रोक पाए हम, लेकिन बच्चा तो गिराया जा सकता है ना। हाँ, उसके लिए दवा दे सकते हैं। तो फटाफट दवा बना दो, बस 5 मिनट भेजिए। आस्था नूपुर, अरे क्या आराम से तैयार हो रही हो तुम दोनों, जल्दी चलो। बस मम्मी 2 मिनट में आए। हाँ मम्मी। हाँ जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे। कृष्णा चलो, रेडी हो गया ना तुम? चलो। हाँ मैडम जी रेडी हूँ, बस आ रहा हूँ। चलो देर हो रही है कृष्णा। बहू। जी बाबूजी। जी तो हम आज शाम तक तुम्हारा इंतजार करेंगे कि तुम हमें पैसे देती हो या नहीं देती हो, और अगर तुमने पैसे आज शाम तक नहीं दिए तो फिर तुम चाहे जितना मर्जी रो धो लेना, बिजली के साथ साथ टंकी से पानी देना भी बंद कर देंगे। थोड़ा समय दे दीजिए बाबूजी, मैं सारे पैसे दे दूंगी। मौवा। जी बाबूजी। तुम स्कूल जा रही हो? जी। अब वो बाबूजी, अब हमारे घर पे नया मेहमान आने वाला है ना, और उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, और खूब सारे पैसे भी तो कमाने हैं ना बाबूजी, बस इसीलिए। चलो हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं, वहां से मंदिर चले जाएंगे। अब नया मेहमान आ रहा है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, और मंदिर में भूखों को खाना भी खिला देंगे ताकि सब कुछ सकुशल हो। जी बाबूजी। चलो। बड़े मालिक रुकिए, अगर मैडम जी आज पैसे नहीं दे पाए तो मैं भूखा प्यासा रह लूंगा, आपके कमरे के बाहर ही सो लूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं वहीं पड़ा रहूंगा। मुझे बिजली पानी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वजह से आप इन्हें परेशान मत कीजिए। एक रात तो बिना बिजली के काट ली, लेकिन रोज कैसे? अच्छा तू तो कहता था तू उस घर का बड़ा बेटा है, हाँ मैं सब संभाल लूंगा सब संभाल लूंगा, तो अब संभालना जाके। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन रोज रोज कैसे रहेगा, और हाँ बिजली पानी तभी मिलेगा जब तुम पैसे दोगे। अगर इतनी औकात है ना तो शाम तक बाबूजी को पैसे दे देना। लेकिन बड़े मालिक। कृष्णा तुम कुछ मत कहना बाबूजी से, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो, ये सब मैं देख लूंगी। कृष्णा भाषण देने से घर नहीं चलता, उसके लिए कमाना पड़ता है, और तेरी औकात तो है नहीं कमाने की। तू एक काम कर, मंदिर के बाहर कटोरा लेके खड़ा हो जा, शायद दया खा के तुझ पे हम 2-4 पैसे दे दें। मंदिर के बाहर कटोरा लेके खड़ा हो जा। चलो बेटा
मम्मी हम तैयार हो गए। हो गए ना तैयार, चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी। कृष्णा तुम ऐसा कुछ भी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैडम जी। चलो स्कूल चलते हैं अब। चलो और अगर तुमने पैसे आज शाम तक नहीं दिए, बिजली के साथ साथ टंकी से पानी देना भी बंद कर देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन रोज रोज कैसे रहेगा। और हाँ, बिजली पानी तभी मिलेगा जब तुम पैसे दोगे। उसके लिए कमाना पड़ता है। अगर इतनी औकात है ना तो शाम तक बाबूजी को पैसे दे देना। मैं पैसे कमा कर उन्हें दूंगा। हाँ जी भेजता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऐसा करो, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर जाओ, वहाँ 50 लोगों की जरूरत है, निकलो जाओ फटाफट। अंकल कहाँ मिलेगा काम? बेटा वो राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ काम मिलेगा। पढ़ाई जरूरी है लेकिन आज पैसे कमाना उससे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू अंकल। किसी भी हाल में काम चाहिए, वरना बच्चे बिना बिजली पानी के आज कैसे रहेंगे। पर काम कहाँ ढूंढूं मैं? हाँ मैनेजर साहब, कुछ लोगों को भेज दिया है, क्या और लोगों की जरूरत पड़ेगी? भाई साहब, काम के लिए लोगों की जरूरत है? जी हाँ, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कुछ और आदमी चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो कुछ लिखाई का, कुछ हिसाब किताब का काम होगा वहाँ? जी नहीं, मजदूरी का काम है। मजदूरी का काम? कहाँ है साइट, कहाँ है? यही आगे जाके राइट साइड पे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।